யூபியில ஹிந்தி மட்டும் படிக்கிறவன் தான், பீகார்ல ஹிந்தி மட்டும் படிக்கிறவன் இங்க வந்து தமிழை கத்துக்கிட்டு இன்னைக்கு நம்ம வீடு கட்டித்தரான், சாலையை பெருக்கறான், குக்கூஸ் கழுவுறான். இதுதாங்க ஹிந்தி படிச்சாங்க. देखिए, वो अहंकारी लोगों को, घमंडिया गठबंधन को इस बार देश भर की जनता उत्तर देने वाला है, तमिलनाडु में भी उनको उत्तर मिलेगा। दिस हैज बिकम अ हैबिट ऑफ द डीएमके फॉर श्योर। मेनी लीडर्स वन आफ्टर द अदर मेक सच कमेंट्स। अर्लियर दे वर अटैकिंग सनातन धर्म आल्सो, बट द रीजन व्हाई कांग्रेस पार्टी एंड अदर पार्टीज ऑफ इंडिया अलायंस आर नॉट सेइंग एनीथिंग इज बिकॉज परहैप्स दे आर ऑल इन इट टुगेदर। करुणानिधि जी की जो पार्टी है डीएमके पार्टी, सामाजिक न्याय में विश्वास रखती है। अगर उनके दल के अगर कोई भी नेता अगर बिहारियों के बारे में कुछ बोले हैं बिहार यूपी के लोगों के लिए, तो बहुत निंदा करने वाली बात है। इससे हम लोग सहमत नहीं हैं। देखिए, बीजेपी को अपना घर देखना चाहिए। इस देश के अंदर अगर कोई एक एमपी या एक नेता कुछ बोलता है, इसका मतलब ये हरगिज नहीं होता कि पूरी पार्टी वो कह रही है। बीजेपी के नेता तो क्या क्या बोलते हैं। क्या साध्वी प्रज्ञा जो बोलती है वो बीजेपी की विचारधारा है? क्या गिरिराज सिंह जो बोलते हैं वो बीजेपी की विचारधारा है? उनके नेता भी अजीबोगरीब बयानात देते रहते हैं।